नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DK नॉलेज शो पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में वर्ष 1990 के दशक में भड़की आतंकी हिंसा के बाद लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले गए और जो नहीं गए उनको बेरहमी से मार दिया गया और कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। इन आतंकियों की दहशत और क्रूरता इस कदर थी कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं का रेप करके उनको मार दिया गया और कुछ लोगों को तो लकड़ी चीरने वाली आरी से जिंदा फाड़ दिया गया। ये सब कश्मीर में होता रहा और इनके साथ कोई खड़ा नहीं था, ना राज्य की सरकार और ना ही केंद्र की सरकार। दोस्तों, 2 दिसंबर 1989 में बीपी सिंह सरकार बनी और उसमें गृह मंत्री थे मुक्ति मोहम्मद सईद, जो महबूबा मुक्ति के पिता थे। तो वहीं राज्य में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी जो 1986 में बनी और ठीक कश्मीर नरसंहार जो कि 19 जनवरी 1990 को हुआ उससे एक दिन पहले यानी 18 जनवरी 1990 तक थी। और उस समय वहां पर जो गवर्नर बनाए गए वो थे जगमोहन, जिनको 18 जनवरी 1990 को राज्यपाल बनाया गया और उन्होंने 21 जनवरी 1990 को कार्यभार संभाला। हालांकि तब तक बहुत देर हो गई और कश्मीर जल चुका था। गौर करने वाली बात है कि कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को कोई सरकार स्टेट की नहीं थी और केंद्र में जो गृह मंत्री था वो भी शायद यही चाहता था कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित निकल जाए, इसी कारण खामोश रहा। लेकिन यह मामला हिंदुस्तान के गद्दारों भर का नहीं था। 1987-88 में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के जहरीले भाषण ने आग में घी का काम किया था। जो भाषण भुट्टो ने पीओके में रैली करके दिया और इसका असर कश्मीर में इतना खतरनाक हुआ कि जिस कश्मीर को कश्मीरी पंडितों ने सींचा उन्हीं कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया। भुट्टो ने रैली में कहा कि वियतनाम एक छोटा सा देश सुपर पावर को हरा सकता है, अफगानिस्तान में जनता एक सुपर पावर से मुकाबला कर सकती है, तो कश्मीरी आवाम भारत और भारत की सेना से मुकाबला क्यों नहीं कर सकती। कश्मीरी आवाम मौत से नहीं डरती है क्योंकि वे मुसलमान है। कश्मीर की आवाम की रगों में मुजाहिदीन का खून है क्योंकि वो रसूल के वारिस हैं, वे हजरत अली के वारिस हैं, वे लड़ना जानते हैं और जीना भी। बेनजीर ने कहा कि दिल की धड़कनों को सुने नहीं तो हर तरफ से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर मस्जिद से आवाज आएगी आजादी, बच्चा बच्चा कहेगा आजादी। असल में यह कश्मीर को भारत से अलग करने का गेम प्लान था जो भारत में छुपे कुछ गद्दारों के साथ मिलकर कर दिया गया। दोस्तों, कश्मीर फाइल मूवी के आने के बाद यह मुद्दा हर एक भारतीय जो असल में भारतीय हैं, गद्दार नहीं हैं, उनके दिलो दिमाग में छाया हुआ है और इसको जिंदा रखने की जरूरत है, नहीं तो कल फिर एक और जगह पर लोग कैंप में रहने को मजबूर होंगे। पूरी दुनिया में इस समय विवाद का एक कारण एक विशेष समुदाय है, चाहे चाइना हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इजराइल हो, अफ्रीका हो, बांग्लादेश हो या सीरिया, और हिंदुस्तान तो 1947 से भुगत रहा है। हालांकि अब हर एक भारतीय जाग गया है, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर शांति की राह पर है और पाकिस्तान की औकात नहीं कि कश्मीर को भड़का सके। ना तो भारत में गूंगी बहरी सरकार है और ना ही चुपचाप बैठने वाली जनता। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।